हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों आज मैं एक शीट मास्क का रिव्यू करने वाली हूँ। दिस इज फ्रॉम गार्नियर, गार्नियर स्किन नेचुरल्स न्यू सेरम मास्क हाइड्रा बॉम्ब शीट मास्क है ये। एंड ये सुपर हाइड्रेटिंग प्योरीफाइंग टिश्यू मास्क है। 15 मिनट तक अप्लाई करना है और इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड हेलुरोनिक एसिड सेरम और ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। वन मास्क इज इक्वल टू 1 वीक ऑफ सेरम। आप यहाँ पर इसकी सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और ये आती है 99 रुपीज की। 32 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। 3 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ है और ये आप सप्ताह में 3 बार इस्तेमाल करें। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो पानी की कमी हो जाती है स्किन में, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा पोर्स की समस्या जो हो जाती है उसको दूर करती है ये। एंड आपके स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करके पोर्स एंड जो जितनी भी पोर्स होते हैं उनको लेस विजिबल कर देती है। तो मैं आपको अभी ये अप्लाई करके दिखाऊंगी क्योंकि ग्रीन टी है और ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट हेलुरोनिक एसिड है इसके अंदर। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, इंटेंसली रिहाइड्रेट्स, मैटिफाइज स्किन एंड रिड्यूसेस पोर्स। सो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है एंड आप गार्नियर की जितनी भी शीट मास्क आती हैं उन सभी के रिव्यू मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वन डे वन वन करके। और एक चीज़ और कि इसकी ना शीट मास्क सारी अच्छी हैं गार्नियर की, और आपको ना बाय टू गेट वन करके ऑफर मिल जाएगा ऑनलाइन, तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। सो ये जो मास्क है वो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, और इसमें नीचे काफ़ी ज़्यादा सेरम भरा हुआ है। सो मैं इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि आधा सेरम जो है वो नीचे बैठा हुआ है। ओके, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है और जो एक्स्ट्रा सेरम होता है उसको मैं कंप्रेस्ड शीट मास्क से मिक्स करके कंप्रेस्ड शीट मास्क के थ्रू अप्लाई कर लेती हूँ मेरी स्किन पर, जिससे कि ये वेस्ट नहीं होता। और ये आप देखिए, ये शीट मास्क है और इसका ये जो जो इसमें ये फिल्म है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। दिस ऑलराइट, ये भी सेरम से एकदम भरी हुई है। ओके, तो अभी मैं इसको फर्स्टली अप्लाई कर लूँ। ओके, इधर से 1 मिनट। अप्लाई कर लिया मैंने। काफ़ी ज़्यादा साइज इसका बड़ा है तो बिग फेस के लिए ये काफ़ी अच्छी रहेंगी। शीट मास्क स्किन में इंस्टेंटली मैजिकली वर्क करती हैं। आप शीट मास्क रोजाना अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर 15 मिनट मैं आपसे मिलती हूँ। अब हो गए हैं 20 मिनट और अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ और आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि मेरी स्किन जो है वो किस तरीके से हाइड्रेट हो गई है। और ये जो शीट मास्क है मैंने इसको रिमूव कर लिया है। और एक शीट मास्क एक ही बार इस्तेमाल के लिए होती है, ये तो बहुत ही मतलब बड़ा ही अजीब लगता है क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ है, काश ये 2 to 3 times के लिए होती। और इसमें जो एक्स्ट्रा सेरम होता है उसको मैं वापस से अप्लाई कर लेती हूँ कंप्रेस्ड शीट मास्क के थ्रू या फिर यूं ही लेकर के डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। और हालांकि ये अभी भी इसमें सेरम है, ये अभी भी गीली है, ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, सेरम दिख रहा होगा साफ साफ, लेकिन उसको फिर 20 मिनट के बाद वो फिर जब ड्राई ज़्यादा होने लगती है तो भी ठीक बात नहीं है। तो इसको मैंने
और नायका से ही परचेज किया था, और इसको रीपरचेज भी नायका से ही करूंगी मैं। अगर ये मुझे मार्केट में मिल जाएगी तो मैं, जहां भी मुझे ये फिलहाल मिल जाएगी मैं लूंगी जरूर, क्योंकि मुझे गार्नियर की ऑलमोस्ट सारी शीट मास्क बहुत पसंद आई, बहुत बहुत ज्यादा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आपको सारी शीट मास्क के रिव्यू देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। और स्किन जो है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग हो गई है। और एक चीज़ और, आप इसको बिफोर मेकअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉटन से हल्का सा पोंछ करके, बट मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी और नेक्स्ट मॉर्निंग में देखूंगी कि मेरी स्किन कैसी हो गई है और स्किन में जो सीरम है वो प्रॉपरली अच्छे से बैठ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। एंड इसको जो है सप्ताह में 3 बार ज़रूर ट्राई करें अच्छे रिजल्ट के लिए।